चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे की शादी धूमधाम से संपन्न की गई। तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई है। ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद राय की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती है। तेजस्वी यादव और ऐश्वर्या राय ने एक दूसरे को जयमाला पहनाने के बाद शादी में आए मेहमानों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आपको बता दें कि पटना स्थित वेटरनरी ग्राउंड में जयमाला की रस्म धूमधाम से संपन्न किया गया। तेजस्वी यादव की बारात में हाथी घोड़े ऊंट के अलावा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था। उनके आवाज से लेकर वेन्यू तक लोगों की पूरी रास्ते में लोगों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेज प्रसाद यादव की बारात पार्टी में भोजपुरिया डीजे का भी भरपूर प्रोग्राम था। जी हां, आपको बता दें कि भोजपुरिया डीजे पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाने जमकर बजाए जा रहे थे। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के सैकड़ों गाने डीजे पर जबरदस्त तरीके से बजाए जा रहे थे और बारातियों इस पर खूब नाचते हुए जा रहे थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव का जलवा तेजस्वी प्रताप यादव की शादी में खूब चला। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी में राजनीति जगत की कई हस्तियां शिरकत हुई, जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे और सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के सभी गलियारों में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी की हार्दिक शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर देते हुए लोग दिखे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की बारात पार्टी का कुछ वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे भोजपुरिया दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं।